हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और बजाज ने फाइनली अपनी एन सीरीज़ में एक और जेम ऐड कर दिया है, जिसका नाम है आपका N150। तो भाई, अब बजाज की एन सीरीज़ में आपकी तीन बाइकें हो चुकी हैं। एक आपकी N250, दूसरी आपकी N160 और लास्ट और लेटेस्ट आपकी N150। तो ये जो बाइक एन सीरीज़ में है, थोड़ी सी आपके कम्यूटिंग सेगमेंट को ध्यान में लेके बनाई गई है। ऐसे लोगों के लिए बाइक है जो कि आपके कम्यूटर करते हैं, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाइक को ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, उनको परफॉर्मेंस से उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, बाइक को उतना ज़्यादा रफ़ या परफॉर्मेंस के साथ नहीं चलाते हैं। तो आप देख लो, स्टाइलिंग के हिसाब से पल्सर है, तो पल्सर का मतलब होता है स्टाइल। तो जाहिर सी बात है कि आपकी फ्यूचरिस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा मीन है, काफ़ी ज़्यादा शार्प है, काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लुक्स हैं इसके आगे। 150 सेगमेंट में ये बाइक पहली बाइक है जिसमें आपकी प्रोजेक्टर लाइट्स मिल रही हैं। तो ये करने वाला हूँ मैं आपका राइड रिव्यू। तो अगर इसका आपका डिटेल रिव्यू देखना है, तो इससे पहले मैंने वीडियो डाल दिया है यहाँ पे, करने वाले राइड रिव्यू की बाइक एक्चुअली परफॉर्म कैसा करती है। तो इसकी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भगा के। बाइक हमने स्टार्ट कर दिया है, तो भगाना शुरू करते हैं। पहले तो फर्स्ट गियर में 38, सेकेंड गियर में 64, थर्ड गियर में 85, फोर्थ गियर में 107.6, और ये फिफ्थ और लास्ट गियर इससे हम भगा रहे हैं। इजली पहुंच चुकी है ये, और काफी ज्यादा यार, एक चीज मैं आपको बता दूं कि बाइक जो है ना बहुत ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी ऐसे वाइब्रेशंस उसमें पता नहीं चल रहे। मतलब 90 तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बाइक में वाइब्रेशन है, 90 के बाद थोड़े से वाइब्रेशन पता चलते हैं, बट बहुत ही हल्के वाइब्रेशंस हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से इसकी जो बाइक का जो इंजन की पैकिंग है और बाकी जो रिफाइनमेंट है, बहुत ही बेटर है। और बाकी देखते हैं फिफ्थ गियर में ये कहाँ तक जा पाती है। अभी ये परफॉर्मेंस आप आपकी हाईवे पे टेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम इसको सिटी में भी लेके जाएंगे, देखेंगे कि बाकी नॉर्मल सिटी में आपकी ये कैसी चलती है बाइक। और 113, तो हाईवे पे ये मेरे वेट के साथ जो कि आपका है 86 kg, तो उसके साथ में ये 114 तक जा रही है, जो कि मुझे लगता है 150 cc के सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी एक स्पीड है जो ये मेंटेन कर रही है। बाकी काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है यार बाइक, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि बाइक बहुत ज़्यादा रिफाइंड है और सीट्स भी ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा लंबी सीट है, मुझे ऐसा कोई बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। मेरी जो हाइट है वो आपकी 6.2 है, और उस हिसाब से मेरा जो राइडिंग पोस्चर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप देख पा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट बैठा हूँ, काफ़ी अपराइट बैठा हूँ, राइडिंग ट्रायंगल पूरा 19 डिग्री का बना हुआ है, हल्का सा भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे आगे लीन होके बैठना पड़ रहा है, बहुत ही कम्फर्टेबल राइडिंग पोजिशन है बिल्कुल भी। मतलब जो मेरे हाथ है, चाहे हाथ हो गया आपकी कलाइयाँ हो गई या फिर आपके कंधे हो गए, शोल्डर्स हो गए, कहीं पर भी थोड़ा सा भी आपका स्ट्रेस नहीं आ रहा है। तो टूरिंग के लिए बहुत ही अच्छी बाइक है, 125 सीसी की बाइक से बेटर है, 150 सीसी की है तो आप लॉन्ग टूर भी इससे ईजली कर सकते हो। आपको हाईवे पे भी मतलब ईजली 70-80 के बीच में तो क्रूजिंग स्पीड बहुत आराम से आपको मिलेगी। अभी भी देखो मैं 93 चल रहा हूँ, और इस स्पीड में भी मैं चाहूँ तो बहुत लंबी दूरी तय कर सकता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली मुझे। बाकी रिफाइनमेंट की मैं बात बार बार करता आऊँगा, आप लोग सुन के भले ही बोर हो जाओ, क्योंकि यार मुझे बजाज के साथ ऐसा रिफाइंड इंजन मिलने की उम्मीद हो तो गई थी जब एन सीरीज़ लॉन्च हुई थी। N250 का इंजन काफ़ी रिफाइंड था, बट वो एक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है, बट एक 150 सीसी की बाइक ने जब इतना रिफाइंड इंजन दिया है तो भाई काबिल तारीफ़ है, तो इसलिए मैं उसकी तारीफ बार बार कर रहा हूँ। बाकी शीशे भी अच्छे हैं इसके, आप देखो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल शीशे हैं, जो मिरर है उसमें काफ़ी क्लियर आपका व्यू दिख रहा है, मैं पीछे देख पा रहा हूँ, वाइब्रेशंस नहीं है, आप देख पा रहे होगे। 1993 पे चला रहा हूँ, मिरर्स में बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं है,
दो तीन बाइकें मैंने और चलाई हैं, मिरर में अक्सर वाइब्रेशन बढ़ जाता है, पर यहाँ पे आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं दिख रहा है। मीटर इसका बहुत ही अच्छा है, जिसको आप बोलते हैं इन्फिनाइट मीटर, जो इसका है बजाज का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, और रात में तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है ये। एक और अच्छी बात है कि 14 लीटर का इसमें पेट्रोल टैंक है, और नॉर्मली इस रेंज की जो बाइक्स होती है उसमें 12 लीटर का पेट्रोल टैंक होता है, बट यहाँ पे एक मैसिव पेट्रोल टैंक दिया है बजाज ने, 14 लीटर का दिया है, जिसने इसकी कम्यूटिंग को और इसकी जो टूरिंग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है। काफ़ी लंबी आपको राइड रेंज मिल जाती है, 45-50 के आसपास ये आपको जो माइलेज है वो सिटी में दे देगी। 45 भी अगर ये माइलेज देती है और 14 लीटर का अगर इसका टैंक है, तो आप समझ रहे हो मतलब ऑलमोस्ट 600 के आसपास, 500 प्लस आपको इसका मिल रहा है जो रेंज है, जो कि एक बहुत ही बड़ी रेंज है। आप यहाँ से एक बार पेट्रोल टैंक जो है अपना फुल करा के डायरेक्ट दिल्ली जा सकते हो लखनऊ से, आपको कहीं पे भी रुकना नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी आपको पेट्रोल या गैस के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। बाकी यार इसका पोस्चर बहुत अच्छा है यार, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि ये कम्यूटिंग सेगमेंट की गाड़ी है, मेन ये बाइक जो है कम्यूटर के हिसाब से बनाई गई है और ऐसे लोगों को बनाई गई है जिनको डेली ज़िंदगी में अपने काम के इस मतलब ऑफिसेज़ के लिए हो गया, कॉलेजेस के हो गया, या फिर आपको सामान ले जाना है इधर उधर, उन सब चीज़ों के लिए, या फिर जो बोलते हैं ना विलेज एरियाज़ में जहाँ पे बाइक्स का ज़्यादा यूज़ होता है सामान ढोने के लिए और कम्यूटिंग करने के लिए, कई बार दो लोग बैठते हैं, तीन लोग बैठते हैं, तो उसके लिए ये बाइक ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और इसकी सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं, तो दो लोग बहुत ही आराम से इस पर बैठ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसकी सीट में। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं इसकी कॉर्निंग स्किल कैसी है, क्योंकि भाई पल्सर है तो बैग तो कंपनी जितना भी क्लेम कर ले कि भाई कम्यूटिंग बाइक है, कम्यूटिंग बाइक है, कम्यूटिंग बाइक है, पल्सर है मतलब कि आपका स्पोर्ट्स पल्सर है, मतलब कि स्टाइल पल्सर है, मतलब कि आपका परफॉर्मेंस। तो एक बार चल के देखते हैं कि ये कॉर्नरिंग कैसी करती है बाइक, कैसी कॉर्निंग स्किल है इसकी, और कॉर्निंग करते हुए कैसा परफॉर्म करती है। तो ले चलता हूँ मैं कॉर्निंग करने के लिए इसको, और मुझे नहीं लगता कि एक्सप्रेस वे में ये जो आपका टर्न है इससे अच्छा कोई जगह हो सकती है इस बाइक की कॉर्निंग स्किल को टेस्ट करने के लिए, तो उसको एक बार टेस्ट करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आ गया आपका टर्न, और यहाँ पे हम एक बार करेंगे कॉर्नरिंग, तो देखेंगे कि इसकी जो टायर की ग्रिप है और बाकी जो ओवरऑल इसकी बॉडी है वो कैसा बिहेव करती है अगर आपको एक शॉर्प टर्न लेना है तो। और ये आ गया टर्न आपका, और यार काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा हूँ मैं, मतलब काफ़ी अच्छी। ये देखो आप कितनी ईजिली मैं टर्न ले पा रहा हूँ, कितना शार्प टर्न है ये आपका, और भाई साहब बहुत ही ज़्यादा स्टेबल लग रही थी बाइक इस टर्न पे। मुझे बिल्कुल भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि भाई एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक और टर्न लेने में कोई प्रॉब्लम इसको होने वाली है। हैंडलिंग जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्यूबलर हैंडल बार है इसमें, काफ़ी अपराइट है, उसके हिसाब से हैंडल जो है उसको थोड़ा मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। बहुत ही एकदम जैसे आपकी रेसिंग बाइक्स होती है, जैसे N160 हो गया आपका या फिर NS160 हो गई, उनकी हैंडल बार को आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते, बट जिस हिसाब से इसका अपराइट हैंडल बार है उस हिसाब से इसकी जो कॉर्नरिंग स्किल्स हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। और आप देखो कितनी ईजिली इसको कट करके हम निकाल सकते हैं भीड़ भाड़ में भी। क्लच बहुत अच्छा है इसका, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ क्लच है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं हो रही क्लच को दबाने में। तो मैं आपको बता रहा था एक चीज़ इस बाइक में बहुत ही अच्छी है वो है इसका पावर और टॉर्क। और अच्छा क्या है कि भाई देखो पावर फिगर आपको बता दूँ 14.5 PS, और जो टॉर्क है आपका वो आपका देती है ये 13.5 न्यूटन मीटर। लेकिन ये सारी चीज़ें जैसे पावर आपका 8500 RPM पे मैक्सिमम पावर देती है और 6500 RPM पे ये मैक्सिमम टॉर्क देती है, बट जो भी टॉर्क और पावर मिल रहा है उसका जो 90% है, उसका जो 90% है वो आपका ये 3500 RPM से ही देना स्टार्ट कर देती है। इसकी वजह से कि स्टार्टिंग में ही आपको पावर की कमी नहीं होती, और आपको बहुत ज़्यादा जो गियर है वो भी शिफ्ट नहीं करने पड़ते, आपको हर गियर में आपको लगता है कि हाँ बाइक जो है वो पावर जनरेट कर रही है। ऐसा नहीं कि पहले दूसरे गियर के बाद आपको पावर की कमी महसूस होने लगे। पाँचवें गियर पर मैं इस समय हूँ, और उसके बाद भी मेरे को काफ़ी अच्छा पुल मिल रहा है इस बाइक से, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है।
बाकी ब्रेकिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव ब्रेक्स हैं, कि क्लच वच भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाला। अगर आप जाम में भी बाइक चला रहे हो, बार बार क्लच दबा रहे हो, तो भी आपके हाथ में या फिंगर्स में ऐसा कोई पेन नहीं होने वाला, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ क्लच हैं इसके। और यहाँ पे इंजॉय कर रहा हूँ मैं इस बाइक की राइड क्वालिटी, काफ़ी मज़ा आ रही है। वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं मिले, चाहे फुट पैक की बात कर लूँ, चाहे पेट्रोल टैंक हो गया, चाहे हैंडल हो गया। 80 तक तो मेरे को बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि ऐसा कोई वाइब्रेशन वाली चीज़ है इस बाइक में। 80 के ऊपर थोड़े थोड़े वाइब्रेशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ऐसा कोई आपको पता नहीं रहेगा या आप कंप्लेन नहीं करोगे कि इस बाइक में वाइब्रेशंस हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। बजाज से इस चीज़ की उम्मीद मैं धीरे धीरे कर रहा था, काफ़ी टाइम हो गया बजाज को मार्केट में आए हुए, और वो रिज़ल्ट भी देना स्टार्ट कर चुके हैं। बाकी एक बार बाइक को थोड़ा सा और भगाते हैं, थोड़ा सा और स्पीड पकड़ते हैं, और देखो आपने इसने 90 पार कर लिया, और काफ़ी इजली यार पुल अच्छा मिलता है बाइक में, ये चीज़ बहुत अच्छी है। पुल अच्छा मिल रहा है, आपका कम्फर्ट अच्छा है, जो आपका पॉस्चर है वो अच्छा है, काफ़ी लॉन्ग टूरिंग के लिए बनी हुई है, वाइब्रेशंस नहीं मिल रहे, क्लच आपका अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी लाइट है, ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, लुक्स बेटर है, काफ़ी ज़्यादा शार्पर लुक है, ऐसा लगता नहीं कि आपको कम्यूटिंग बाइक चला रहे हो। लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो लुक्स हैं काफ़ी परफॉर्मेंस बाइक्स को मैच कर रहे हैं इसके, ओवरऑल काफ़ी बेटर बाइक है ये। मुझे लगता है और बाकी ऐसा इस बाइक में कुछ बचा नहीं। सस्पेंशंस का थोड़ा मैं देख लूँ कि सस्पेंशंस काफ़ी अच्छे हैं इस बाइक के। यहाँ पे देखो जैसे ये रोड है, काफ़ी ज़्यादा इसमें पैचेस पड़े हुए हैं, आप देख पा रहे हो रोड पे, ये देखो काफ़ी ज़्यादा पैचेस हैं, बट इसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। चाहे आप आगे का सस्पेंशन ले लो, चाहे पीछे का सस्पेंशन ले लो, इस बाइक में पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन लगा हुआ है। पहले की जो पल्सर आती थी उसमें आपके डुअल सस्पेंशन जो नॉर्मल स्प्रिंग वाले लगे होते थे वो लगे थे, बट यहाँ पे आपका मोनोशॉक लगा हुआ है, फ्रंट में आपका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लगा हुआ है। तो लोग बोलते हैं कि मोनोशॉक सस्पेंशन थोड़ा ज़्यादा स्टिफर साइज़ में होता है, बट यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, काफ़ी अच्छी तरह काम कर रहा है। तो मुझे लगता है मतलब स्मूथ रोड हो, चाहे आपकी गाँव की ऊबड़ खाबड़ खड़ंजा, दोनों ही जगहों पर यह बाइक आपको निराश नहीं करेगी, दोनों ही जगहों पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है इस बाइक का। और यहाँ पे कॉर्नरिंग लेते हुए गियर बहुत ही अच्छे हैं इसके, चाहे आपको डाउनशिफ्ट करना हो, चाहे अपशिफ्ट करना हो, काफ़ी स्मूथली गियर इसके शिफ्ट हो जा रहे हैं, ऐसा कहीं पे मुझे लग नहीं रहा कि गियर फंस रहे हों या हार्ड हो रहे हों। कितनी स्मूथली, मतलब बटर स्मूथ गियर्स हैं आपके, हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर है, चाहे आपको कॉर्नरिंग लेनी हो, चाहे आपको यू टर्न मारना हो, चाहे दो बाइक्स के बीच से आपको निकलना हो, तो काफ़ी अच्छी कॉर्नरिंग है। आप काफ़ी मतलब हैंडल्स जो हैं इसको रोड पे चलाते हुए काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको मतलब ट्रैफिक में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। स्पेशली जो इसके मतलब तीन चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, हैंडलिंग हो गई और इसका जो लाइटर क्लच है और उसी के साथ जो बटर स्मूथ इसके गियर हैं, इन तीन चीज़ों की वजह से ट्रैफिक में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ईज़िली आप ट्रैफिक के बीच से उसको मतलब पास करते हुए निकल जाओगे। बाकी आप लोग देख रहे हो कि जैसा मैंने बताया था कि पावर और जो इसका टॉर्क का कर्व है, काफ़ी इनिशियल में ही आपको पावर मिल जाती है, और 3500 RPM से ही आपको 90% जो भी अवेलेबल पावर है और टॉर्क है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो काफ़ी ईजली आप ट्रैफिक में बाइक्स को बाइक मतलब दूसरी गाड़ियों को बाईपास करते हुए निकल जाते हो। तो आप देखो कितनी ईजली मैं बाइक्स हो गए, बाकी चीज़ों को पीछे कर पा रहा हूँ, और सामने जो जा रहे हैं उनको पीछे करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इनके पास भी वही बाइक है जो हमारे पास है। बाकी गाड़ियाँ जो आप हैं उनको मुझे कहीं से भी उनको क्रॉस करने में या फिर टेक ओवर करने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। आप देखो ज़्यादा मेरे को गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ रहे, और काफ़ी बटर स्मूथ ट्रांजिशन है गियर्स का, चाहे आपको गियर डाउन करने हो या फिर अपशिफ्ट करने हो, काफ़ी ईजली हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइट क्लच है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो कुल मिला के जो इसकी ट्रायोलॉजी है आपका, चाहे क्लच की बात कर लो वो ज़्यादा लाइट है, चाहे गियर की बात कर लो वो बटर स्मूथ है, चाहे आपकी पावर डिलीवरी की बात कर लो वो काफ़ी अच्छा है, तो तीनों ही चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, दिक्कत देने वाली नहीं है यहाँ पर। तो कुल मिला के सिटी राइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं आप लोग इस बाइक की। बाकी जैसे मैंने बताया था कि काफ़ी परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, लुक वाइज काफ़ी अच्छी दिखती है,
एक परफॉर्मेंस बाइक का लुक देती है, वहीं पे जो कंफर्ट वाइज है वो एक कम्यूटर बाइक का कंफर्ट देती है। अपराइट पोजीशन है और आपकी काफ़ी ब्रॉड सीट्स हैं, लंबी सीट्स हैं, ब्रॉड सीट्स हैं, दो लोग इजीली बैठ सकते हैं। लॉन्ग राइड में आपके बम को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। तो इसी के साथ ये रिव्यू मैं एंड करता हूँ। मेरे हिसाब से बजाज ने एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड बाइक बनाई है, मतलब एक जो बोलते हैं ना कि दिस बाइक इज़ अ मतलब परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्पोर्ट्स एंड अ कम्यूटर बाइक। चाहे स्पोर्ट्स बाइक की बात कर लो चाहे कम्यूटर बाइक की बात कर लो, दोनों ही लहजे से बाइक बहुत ही अच्छा एक संतुलन बनाती है। आपको स्पोर्ट्स बाइक वाला लुक मिलता है, परफॉर्मेंस मिलती है, और एक कम्यूटर बाइक वाला आपको माइलेज मिलता है और कंफर्ट मिलता है। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह मैनेज की है बजाज ने और मुझे काफ़ी पसंद है ये बाइक। बाकी आप लोग जाइए अपने आप आसपास के शोरूम्स में जाइए और वहाँ जाके देखिए ये बाइक आपकी अवेलेबल होगी। और जाते जाते मैं एक बार प्राइस बता देता हूँ कि एक्स शोरूम प्राइस जो इसका है वो आपका 1,18,541 रुपीज़ है। तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रखा है बजाज ने इस रेंज की बाइक्स के हिसाब से। 150 सेगमेंट में ये प्राइस जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो एक काफ़ी अच्छा मतलब जो बोलते हैं ना वैल्यू ऑफ मनी आपको मिल रही है। तो फिर इसी के साथ ये ब्लॉग में एंड करता हूँ। और सोशल मीडिया हैंडल पे अगर आप हो तो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, कोई क्वेश्चन है इस बाइक से रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हो। और मेरा जो दूसरा चैनल है पावर BHP उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। वहाँ पे मैं धीरे धीरे कंटेंट ला रहा हूँ और वहाँ पे ओनरशिप रिव्यूज़ की तरफ ज़्यादा फोकस मैं रहूँगा। ओनरशिप रिव्यूज़ अगर किसी बाइक का आप देखना चाहते हो कमेंट करके बताओ तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज़ सोलो ट्रैवलर राइडिंग ऑन दिस ऑसम पल्सर N150 साइनिंग ऑफ।